हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हार्डवेयर पढ़ा था, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। जैसा कि देखिए कि सॉफ्टवेयर, इट गिव्स इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज अ जेनेरिक टर्म फॉर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब क्या होता है, सॉफ्टवेयर वो होता है बच्चों जो कंप्यूटर को ना थोड़ा सा इंटेलिजेंस देता है। इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में दिमाग तो नहीं देता है, पर यह कहता है कि कोई चीज पर्टिकुलरली कैसे काम करेगी। ठीक है, कोई चीज पर्टिकुलरली कैसे काम करेगी। इज अ जेनेरिक, जेनेरिक मतलब होता है नॉर्मल टर्म है। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा, जब कोई कंप्यूटर का डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होता है, कलेक्टेड होता है, ठीक है, और तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये तीन प्रकार में पड़ता है, एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है यूटिलिटी। सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया कि क्या होता है कि कंप्यूटर को काम कर कैसे करना है, क्या करना है, ये बताता है। एक नॉर्मल टर्म है किसके लिए, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डेटा के लिए। ठीक है, और ये तीन भाग में बटा है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। आइए पहले देखते हैं कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कॉम्पोनेंट। ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक एक हार्डवेयर को जो कंप्यूटर में लगा है। जैसे हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे हार्डवेयर हैं। तो कौन कंट्रोल करता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यू नो दैट एन इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। आपको पता है कि एक जो निर्देश होता है, क्या होता है, समूह होता है प्रोग्राम्स का, दैट हैज टू बी फेड टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को देना पड़ता है। फेड मतलब होता है खाना, कंप्यूटर को देते हैं, फेड टू द कंप्यूटर फॉर ऑपरेशन। कंप्यूटर को इनपुट देते हैं ताकि पूरा कंप्यूटर क्या कर सके, काम कर सके। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, द प्रोग्राम रिटन इन रोम इज एग्जीक्यूटेड विद एक्टिवेट्स डिफरेंट यूनिट ऑफ योर कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो प्रोग्राम जो रोम में लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करता है, वो काम करता है और एक्टिवेट करता है कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट को, मेक इट रेडी फॉर वर्क। ठीक है, आप जो कंप्यूटर ओपन करते हैं ना बच्चों, तो हाउ टू ओपन अ कंप्यूटर ये आपका रोम में लिखा रहता है। लिखा रहता है बच्चों रोम में, ठीक है, क्योंकि रोम आपका परमानेंट मेमोरी है तो कोई चीज डिलीट नहीं होती। और वो क्या करता है, डिफरेंट यूनिट को एक्टिवेट करेगा और रेडी करेगा क्या, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। दिस सेट ऑफ प्रोग्राम कैन बी कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तरह के प्रोग्राम को हम लोग क्या कह सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका नाम ही क्लियर है बच्चों कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम को ऑर्गेनाइज करेगा, सिस्टम जिसके बिना चल नहीं पाएगा वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स विद प्रिंटर्स। देखिए हार्डवेयर की बात आई थी, हमने बताया था प्रिंटर, कार्ड रीडर एक्सेट्रा, स्कैनर हो गया, तो कीबोर्ड हो गया, ये सब सारी चीजें। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क इजी। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, काम कर सके, एंड विद इन लेस टाइम और कम समय में। इट इज नॉट पॉसिबल टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के रन नहीं करे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीजें जो समझना है, नॉट पॉसिबल रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अरे वो सॉरी बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके द्वारा कंप्यूटर क्या होता है, पूरा पूरा ऑपरेट होता है, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब एक पार्ट हो गया, अगला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको नॉर्मली हम लोग ऐप के नाम से जानते हैं, जो मोबाइल पे हम लोग चलाते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो ऐप आपका कुछ नहीं है, बस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बाय यूजर। ये क्या है, स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशल टास्क, ठीक है, यूजर के किसी स्पेशल टास्क के लिए इसको डिजाइन किया गया। सच सॉफ्टवेयर डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट कमांड गिवन बाय द यूजर एंड मे बी सेट टू इंक्लूड एनी प्रोग्राम। ठीक है,
सच सॉफ्टवेयर डायरेक्ट द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को डायरेक्ट करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड, जो यूजर के द्वारा कमांड दी जाती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये कंप्यूटर से कहते हैं। एंड मे बी सेट टू इंक्लूड एनी प्रोग्राम दैट प्रोसेस डेटा फॉर यू, या फिर कोई भी प्रोग्राम को इंक्लूड करते हैं में यूजर का क्या होता है डेटा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिंपली एप्लीकेशन प्रोग्राम आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, तो क्या कहते हैं हम लोग देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिंपली एप्लीकेशन प्रोग्राम आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम और एंड यूजर प्रोग्राम, ठीक है, बिकॉज दे इनेबल द यूजर टू कंप्लीट टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, डेटाबेस एंड पब्लिकेशन, डूइंग ऑनलाइन रिसर्च, ठीक है, ये सारे आपका प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना या एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो हम लोग प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम या एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं। एंड यूजर मतलब यूजर के ही पास खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इनेबल करते हैं यूजर को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट द टास्क ये करते हैं। टास्क क्या क्या है, डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट करना, डेटाबेस है, पब्लिकेशन है, ऑनलाइन रिसर्च है, ईमेल भेजना, ग्राफिक्स बनाना, रनिंग बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को चलाना एंड गेम खेलना, ये भी आपका एक तरीके से क्या है प्रोसेस है, ये भी आपका यूजर का टास्क है। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वर्ड प्रोसेसर जैसे एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट एक्सेल हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट, जितने भी डेटा कंप्यूटर में है सबको क्या करना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है बच्चों। और तीसरे प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कॉन्फिगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को एनालाइज करता है कि सही वर्क कर रहा है, कॉन्फिगर करता है कि सारे आउटपुट सही है, ऑप्टिमाइज करता है कि वर्क तेज करे और कंप्यूटर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर ये कहते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इट इज यूज टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर जो अंदर से बिल्ड है ना, बना हुआ है, उसको ये सपोर्ट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज एम्ड एट डायरेक्टली परफॉर्मिंग टास्क दैट बेनिफिट ऑर्डिनरी, ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये डायरेक्टली टास्क परफॉर्म करता है जिससे कि नॉर्मल यूजर को बेनिफिट मिलता है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, तीन प्रकार के आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। पहला सिस्टम ऑफ यूटिलिटीज, ये क्या है, दूसरा है आपका स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज, तीसरा है आपका फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी, ठीक है। ये तीन प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आप आइए देखते हैं क्या है इसमें। एंटीवायरस यूटिलिटीज स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरस एंड ब्लॉक और रिमूव, एंटीवायरस यूटिलिटीज आपका क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज क्या करता है, वायरस को ब्लॉक करता है और उनको हटाता है। नेटवर्क यूटिलाइज एनालाइज द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी, ठीक है। अब एक होता है नेटवर्क यूटिलाइज, इसका मतलब होता है कि वो चीजें जो नेटवर्क पे काम करती हैं वो भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कैसे डेटा ट्रांसफर होगा, कैसे लॉग इवेंट बनेंगे, कैसे नेटवर्क को कॉन्फिगर करेंगे, कैसे नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, ये भी आपका क्या है, सिस्टम यूटिलिटी के तहत, ठीक है। अगला है आपका स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटीज, बैकअप सॉफ्टवेयर मेक कॉपीज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आपके बैकअप रहेंगे ना, कॉपी बनेगी और वो इंफॉर्मेशन डिस्क पे स्टोर हो जाएंगे। आइदर री स्टोर द इंटायर डिस्क, या तो पूरे डिस्क को आप री स्टोर करिए, ठीक है, डिस्क क्लोनिंग इसको कह सकते हैं, मतलब एक ही डिस्क आपके पास दो रूप में रहे, ठीक है। अब ये क्या है, इज एन इवेंट ऑफ डिस्क फेलियर और सिलेक्टेड फाइल्स दैट आर एक्सीडेंटली डिलीटेड और करप्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो भी आपका डिस्क फेलियर होता है या एक्सीडेंट रूप से डिलीट हो जाती है फाइल ना, उसको क्या कहता है, फायदा रहता है क्योंकि आप एक डिस्क क्लोनिंग कर लेते हैं और आपने एक सेकेंड डिस्क बना ली है, ठीक है। डिस्क चेकर स्कैन एंड ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव एंड चेक फॉर लॉजिकल और फिजिकल, अब डिस्क चेकर है वो क्या करता है, वो आपके हार्ड ड्राइव को स्कैन करता है और उसमें लॉजिकल और फिजिकल एरर अगर होता है तो वो यूजर को बताता है। डिस्क पार्टीशन एडिटर डिवाइड एन इंडिविजुअल ड्राइव इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव विथ इट्स ओन फाइल सिस्टम,
ठीक है, डिस्क पार्टीशन क्या करता है, एक ज्यादा बड़े ड्राइव को कई पार्ट में तोड़ देता है ताकि उसमें क्या हो जाए, मल्टीपल ड्राइव बन जाए और आप उसमें अपनी फाइल को अच्छे से अरेंज कर सकें। ठीक है, अगला है आपका फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज, डेटा कंप्रेशन, ठीक है, यूटिलिटीज आउटपुट अ शॉर्टर स्ट्रीम और अ स्मॉलर फाइल व्हेन प्रोवाइडेड विथ अ स्ट्रीम और फाइल। ठीक है, डेटा को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन है, यूटिलिटीज आउटपुट अ शॉर्टर स्ट्रीम, डेटा जब कंप्रेस होता है तो सारे फीचर अवेलेबल होते हैं, बस साइज में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये फाइल भी आपकी छोटी जाती है, स्मॉलर फाइल व्हेन प्रोवाइडेड विथ अ स्ट्रीम और फाइल। ठीक है, डेटा रिकवरी यूटिलिटीज आर यूज्ड टू रेस्क्यू पुट डेटा फ्रॉम करप्टेड फाइल। ठीक है, डेटा रिकवरी भी इसी में आती है, तो क्या होता है जो सही डेटा होते हैं उनको हम बचा लेते हैं करप्टेड फाइल्स में। और आपका आज का आखिरी टॉपिक है डिस्क क्लीनर फाइंड फाइल्स दैट आर अननेसेसरी टू कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, आप जो भी कंप्यूटर में डेटा रखे हैं अगर आप उसको बार बार यूज नहीं कर रहे हैं तो डिस्क क्लीनर क्या करता है, उसको फाइंड करेगा कि कौन सी ऐसी फाइल है जो आप बार बार यूज नहीं कर रहे हैं या जो आपके सिस्टम के लिए क्या है बच्चों, अननेसेसरी है, तो ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, हटा देगा। ये आपके क्या है, आपके सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में तीन प्रकार, सिस्टम यूटिलिटी, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, और एक आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।